आज भी बाबा ने वरदान में कहा, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता? दुनिया में तो कितनी चिंताएं हैं, हर बात में चिंता ही चिंता। हमको कोई चिंता नहीं है, जिसको चिंता हो हाथ उठाए। कोई नहीं, देखो अपने लिए ताली बजाओ, कोई चिंता नहीं। क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? जो होगा अच्छा ही होगा। बस जो होगा अच्छा ही होगा। बाबा ने क्लास में पूछा, मुरली के समय बाबा ने पूछा, बच्चे आप सभी त्रिकालदर्शी हो? तो सब ने हाथ उठाया, जी बाबा हम सब त्रिकालदर्शी हैं। तो बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी हो माना अच्छा, बताओ कल क्या होगा आपको पता है? तो कहा, बाबा वो तो पता नहीं कल क्या होगा, क्या जाने। बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी कैसे हो, पता ही नहीं कल क्या होगा, तो कैसे कहेंगे त्रिकालदर्शी हो? तो बेचारे सब मूंज गए। बाबा ने कहा, इसमें मूंजने की क्या बात है, ये क्यों सोचते हो पता नहीं क्या होगा? पर क्या सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये त्रिकालदर्शी स्थिति नहीं है क्या? है ना त्रिकालदर्शी स्थिति, क्योंकि ये पता है कि कुछ भी हो वो कल्याणकारी होगा। भले उस समय हमें पता नहीं चलता है कि ये कितना कल्याणकारी है, लेकिन वो कल्याणकारी होगा ही होगा, ये निश्चित है। इसीलिए गीता का यही सार है, जो हुआ क्या हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा ही होगा। चिंता की कोई बात नहीं। तो कितना सुंदर ये विचार है, एकदम सोच ही नहीं है। भले हम सुनते थे, गीता का सार पढ़ते थे, जब तक बाबा का ज्ञान नहीं था बस खाली पढ़ते थे, लेकिन कभी उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाया कि चलो कोई बात हुई और उस समय कह दिया कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और अगर समझा भी और किसी को कह दिया कि जो हुआ अच्छा हुआ, कहेगा क्या अच्छा हुआ, लड़ना चालू कर देंगे, क्या अच्छा हुआ। तो इसलिए ऐसे बोलना भी नहीं है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना। लेकिन हम जानते हैं उसमें भी कोई राज था। चलो कल्याण शब्द न कहो, परंतु ये तो कह सकते ना, कोई राज है, कोई उसके अंदर कोई ऐसी गहराई है, उसका भविष्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए जैसे फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो कितनी एकदम कितनी सीन्स आती रहती है। तो कई बार होते ऐसे, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे आगे देखते जाते हैं तो पता चलता जाता है, राज खुलता जाता है, ये क्यों ऐसे कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे उसका वो विस्तार या वो खुलासा होता है, उस समय पता नहीं चलता है। इसलिए अंदर में हम यही सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, तो चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। परंतु उसके लिए निश्चय बहुत जरूरी है। किसमें निश्चय? ये एक नवीनता अपने अंदर भरनी है, अपने में निश्चय, खूब निश्चय चाहिए। ऐसे कई जो संशयात्मक बुद्धि होते ना, अपने लिए भी संशय, पता नहीं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, पता नहीं ठीक किया नहीं किया, पता नहीं अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ। तो पता नहीं, पता नहीं अगर कहते हैं, माना ये संशय बुद्धि है। परंतु जैसे हम ये संकल्प करते हैं कि मैं कर सकती हूं और जो हुआ अच्छा हुआ, चलो लगा कि भाई बिगड़ गया या कुछ भी, लेकिन कम से कम अनुभव तो मेरा बढ़ा। एक गलत निर्णय हमने ले लिया और कुछ बुरा हुआ भी,
लेकिन एक अनुभव तो मेरा बड़ा, ये अनुभव तो मैं दूसरे को बता सकूंगी कि ये मेरा अनुभव था, आप सावधान हो जाइए। मैंने आग में उंगली डाली, उंगली जल गई। अब इसमें अच्छाई क्या है? इसमें अच्छाई ये है कि अनुभव मुझे हुआ कि आग तो जलाती है, आग में उंगली नहीं डालनी चाहिए। लेकिन दूसरा एक बच्चा है, उसको पता नहीं है और वो आग में उंगली डालेगा तो उनको तुरंत रोकेंगे, बेटा ये जलता है, उसको तो पता ही नहीं। तो अनुभवी हो गए ना हम, तो अनुभवी बन करके हम दूसरों को अनुभवी बना सकेंगे, ये एक नवीनता है। तो हर कदम पर एक नवीनता की अनुभूति हमें करनी होगी। किस किस में नवीनता? सबसे पहले हमारी सोच में नवीनता। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से हमारी हर सोच नवीन बन जाती है, नई सोच। पहले क्या सोचते थे? देह अभिमान में आने होने के कारण। और अभी हम क्या सोचते हैं? देही अभिमानी होने के कारण वो सोच में परिवर्तन आ जाता है। चलो कई बार सोच तक इतना नहीं जाते, पर कम से कम वचन और कर्म तक तो परिवर्तन आ सकता है। कई बार गलत कर्म करने जा रहे हैं जो श्रीमत के खिलाफ है, उसी समय कम से कम ये सोच आ जाए ये गलत है, ये सही नहीं है, ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है, तुरंत हम अपने हाथों को रोक सकते हैं, उस गलत कर्म से बच जाएंगे। ये नवीनता अनुभव करनी है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि ये गलत है, गलत कर्म कर लिया, गुस्सा कर लिया, लोभ के वश हो गए, झूठ बोल दिया, ईर्ष्या नफरत द्वेष वैर दुर्भावना इन सब के वश होते गए होते गए होते गए, पता ही नहीं चला कैसे समय श्वास संकल्प शक्ति हमारी नष्ट होती गई होती गई होती गई और एकदम शक्तिहीन हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे हमको बाबा ने समझ दी, पहले तो आत्मा की समझ दी, तो दृष्टि बदल गई। देह की बजाय आत्मा को देखो, देह को मत देखो। ये सांप की बजाय सांप के मस्तक पर जो मणि है उसको देखो। ये जैसे समझ मिली तो दृष्टि बदल गई।